इस चैप्टर में कुल 18 डायग्राम बनेंगे। 18 डायग्राम में तीन केस होते हैं। एक तो होता है मांग में परिवर्तन, जब मांग में वृद्धि होगी या कमी होगी, पूर्ति में कोई चेंज नहीं होगा, उसके 6 डायग्राम बनते हैं। दूसरा होता है पूर्ति में परिवर्तन, जब पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी होगी, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके 6 डायग्राम बनते हैं। तीसरा होता है मांग व पूर्ति में एक साथ परिवर्तन, यानी कि मांग में भी वृद्धि और कमी होगी, पूर्ति में वृद्धि और कमी होगी, इसके भी 6 डायग्राम बनते हैं। अब ये 6 कैसे कैसे बनेंगे? इसके 6 के 3 केस होंगे। पहला एक नॉर्मल वाला, जब पूर्ति की जो पूर्ति होकर बनेगा वो लोचदार होगा, इकाई लोचदार, इकाई से कम लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार, तो मांग में वृद्धि कमी, इसके 2 डायग्राम। फिर दूसरा पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार, यहां भी मांग में वृद्धि है कमी, इसके भी 2 डायग्राम। पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार, फिर मांग वृद्धि कमी, इसके भी 2 डायग्राम। ऐसे यहां पर मांग में पूर्ति पूर्णतया लोचदार, पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार थी, तो अब पूर्ति में परिवर्तन होगा, तो मांग पूर्णतया लोचदार और मांग पूर्णतया बेलोचदार होगी, दो दो इन तीनों के बनेंगे। तो ऐसे 6 यहां हो गए, 6 डायग्राम यहां पर हो गए। फिर यहां आ जाओ, यहां मांग और पूर्ति में एक साथ वृद्धि, इसके 3 डायग्राम बनते हैं कि मांग में पूर्ति से अधिक वृद्धि होती है, मांग में पूर्ति से कम वृद्धि होती है, या मांग में पूर्ति के बराबर वृद्धि होती है, ऐसे इसके 3 डायग्राम बनेंगे। मांग में पूर्ति से कम कमी, मांग में पूर्ति से ज्यादा कमी, या मांग पूर्ति से के बराबर कमी, अभी कैसे कैसे बनेंगे इनको डिस्कस करते हैं। भाई मैंने तो समझा तो पूर्ति मांग ये हो गया, पूर्ति की तरफ जो मांग है, मांग पूर्ति लोचदार, पूर्ति में मांग आपका बनाएंगे पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, और मांग में पूर्ति का बनाएंगे। अभी डायग्राम करेंगे वहां से अच्छे समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, ये उतार लिया ना ये, नहीं तो यहां से निकल जाएगा स्कूल से। देखो भाई मैं बात करता हूँ मांग में परिवर्तन की, तीन केस थे मैंने बताया आपको इसके, तो पहला सामान्य की बात करते हैं, इसका ए केस और इसका बी केस। सामान्य में क्या होगा, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। पूछा ऐसे यहाँ पर पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, यहाँ पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है। देखो बड़ा बढ़िया, अरे कली बना देते, टाइम हो गया, परिवर्तन। देखो भाई मैंने क्या कहा, मेरा टाइम हो गया भाई, मैंने कहा ये मांग वक्र है डीडी, ये पूर्ति वक्र है एसएस, जहां ये काटेंगे संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा। जब ध्यान से देखा, मैंने आपसे कहा मांग में वृद्धि होती है, यानी कि मांग वक्र नया वाला ये बनेगा, वृद्धि ऊपर को होती है ना, तो क्या होगा, नया संतुलन यहाँ बन जाएगा, ये ई था ई वन, तो क्या हुआ, कीमत बढ़ जाएगी और मांग भी मात्रा भी बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, कीमत बढ़ जाएगी मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसके नीचे वाला पॉइंट देखो, मैंने कहा ये मांग वक्र था, ये पूर्ति वक्र था, जहां काटते हैं संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा, मांग में कमी होगी, मांग में कमी होगी दाई तरफ, बाई तरफ होगी। अभी यहाँ काटेंगे, ये जहां मांग वक्र पूर्ति को काटता है वहां संतुलन होता है। अब ये मांग वक्र इस पूर्ति को काटेगा ना, ये वाला इसको काटना चाहिए, यहाँ काटेगा कीमत घट जाएगी, मात्रा भी घट जाएगी। ये पहले दो केस बन गए, ऐसी दो केस इसके। अच्छा, जो मतलब नया डायग्राम जहाँ काटेगा पूर्ति वक्र को वहाँ बने, वो है। हाँ जी, वहाँ से संतुलन मिलेगा, संतुलन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, यहाँ पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन ये जो पूर्ति का आपने बनाया था ना मैंने, ये ऐसी की जगह था, कैसा बनेगा, बात समझ आ रही है, पूर्ति पूर्ति है लोचदार, तो लोचदार पूर्ति ऐसी तो होता है, दिखवाया तो था ऐसी यहाँ पर। अब क्या करना है, मांग में वृद्धि, तो पहले वाली मांग ये नहीं, मैंने कहा जहां ये काटेंगे वहां संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा, मांग में क्या हो रही है, ऐसे यहां कर दो, संतुलन कीमत, संतुलन मात्रा, मांग में क्या हो रही है, वृद्धि, वृद्धि वृद्धि की तरफ,
D1 D1 तो अब क्या हुआ, प्राइस तो वही है लेकिन क्वालिटी बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पर जब ये घटेगा, अब कहाँ घटेगा, मांग के पूर्ति को, यहाँ पर कीमत वही है लेकिन मात्रा घट जाएगी, संतुलन कीमत वही रहेगी संतुलन मात्रा घट जाएगी। फटाफट से इसका थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा, फिर से यहां पर मांग में वृद्धि और बी पॉइंट इसका मांग में कमी, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। वृद्धि में क्या होगा, अब बोला पूर्ति पूर्ते बेरोजगार है, इसका मतलब बेरोजगार पूर्ति ऐसे बनेगी एस 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 एस, ये मांग में क्या बनेगा, यहां ही बना देता हूं, जहां ये काटेंगे संतुलन कीमत संतुलन मात्रा, जहां ये काटेंगे संतुलन कीमत संतुलन मात्रा, मांग में वृद्धि होनी है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कहां काटेगा अभी इसको, यहां काटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगी नई कीमत मात्रा उतनी की उतनी रहेगी, यानी कि संतुलन कीमत बढ़ जाएगी संतुलन मात्रा समान रहेगी। ऐसे यहां पर आओ, ये यहां काटेगा E1 पर, ये पहले वाला वही था, क्या देखते हो संतुलन कीमत घट जाएगी मात्रा समान रहेगी, इसका मतलब इन छह के छह डायग्राम में करना कुछ नहीं है, हर बार मांग के बनाना है उद्योग के बनाना है, केस वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर देगा, मान लो क्वेश्चन में बोल देगा कि वस्तु का बाजार संतुलन में है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, बताओ मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संतुलन की होता है क्या प्रभाव पड़ेगा, तुम क्या करोगे, वस्तु का बाजार संतुलन में इसका मतलब मांग वक्र पर कीमत वक्र तो बनेंगे बनेंगे, ठीक है, उसने बोला उपभोक्ता की आय बढ़ती है, क्या होगा उपभोक्ता की आय बढ़ने से, मांग बढ़ेगी, पूर्ति में तो कोई भाव नहीं बढ़ने वाला, मांग बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब तुम्हें मांग में वृद्धि करनी है, बस मांग पहले इसका बना देना, मांग वृद्धि कर देना, दिखा देना कीमत बढ़ गई मात्रा बढ़ गई, क्या लिखोगे, उपभोक्ता की आय बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, इससे क्या होगा संतुलन कीमत बढ़ जाएगी संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी, काम करो यस, ठीक है जी, ये क्वेश्चन आता है, तो ये आपके मांग के छह वाले डायग्राम पूरे हो गए, बाकी करेंगे अगले पार्ट में।